ये गले नहीं मिल रही। ए हीरी, दरवाजा क्यों लॉक किया? हमारे घर पे रिवाज नहीं दरवाजा लॉक करने का। नहीं, स्टोरी नहीं समझ आई फातिमा तुम्हें। जिस मूवी का सबको इंतजार था कि जल्दी से वो डाल दें आप, जिसको मैंने डायरेक्ट किया, मुझे इतने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे कि यार वो जल्दी डाल दे, तो फाइनली वो आ गई है, तो आज वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबको घर में वो दिखाना चाहूंगी क्योंकि पहली राबिया की मूवी है, सबको पसंद आती है कि नहीं आती है, तो बारी बारी सबको दिखाते हैं, देखते हैं कि क्या उनके रिएक्शन होते हैं, हीरा की एक्टिंग कैसी है, उस पर भी रेट करवाएंगे, तो फिर एंड पर आप लोग वो मूवी देख सकते हैं। सो लेट्स गो। और ये जो लड़कियां ने सामने बैठी और ये मुझसे ना ज्यादा नाराज हुई है, इसकी शक्ल पे दिख रहा है। अपनी बेटी से नाराज होते हैं, माएं अपनी बच्चियों से क्या नाराज होती है। अभी ये ना ऐसे शो नहीं करवाई कैमरा के सामने, लेकिन असल में मुझसे बहुत गुस्सा है। आप देख सकते हैं गाइस, ज़ैनब को कैसे मनाया जाए। याद करो मैं तुम्हारे साथ सीरीज निकाल रही, इसमें तुम्हें साइकिल्स, आईफोन्स, बाइक्स, कार सब मिल सकते हैं। तो निकाल लो, तो वो फिर मेरे से दोस्ती करो पहले। दोस्ती है? ये गले नहीं मिल रही, ये गले नहीं मिल रही मुझसे। इसको लग रहा है कि मैं ना मतलब कि अभी कर रही हूँ कैमरा के सामने, लेकिन सच में सॉरी ज़ैनब, लड़ाई हुई है, सॉरी। कैसी बनी है तुम पता सन्ने भाई कितनी तारीफ की है उसमें। अब मैं अगली मूवी बना रही हूँ, तुम हीर बनो। ठीक है, हाँ करना है काम, मुझे लड़के का रोल चाहिए तो मैं लूंगी। ठीक है गाइस, मैंने ज़ैनब को फाइनली मना लिया। किस बात पे? हर रात ये मेरे साथ सोती है और इसके पांव ठंडे होते हैं, मैं अपने पांव से इसके पांव गरम करती हूँ हर रात। ठीक है, सॉक सा पहन के सोती है। हाँ तो फिर करती हूँ ना गरम। कहाँ पे वो मूवी? अभी बाद में दिखाती हूँ। खैर दोस्ती कर ली, माएं अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। और यार मम्मा यहाँ पे पता नहीं क्या फोन यूज कर रही है, मम्मा इधर बच्चों को मना करते हैं, खुद मम्मी यहाँ पे खुद फोन यूज करने लगी हुई है। खाने की रेसिपी देख रही है। खाने की हो? मम्मा इतनी उम्र में चली गई, अभी भी मम्मा को खाना नहीं बनाना है, अभी भी रेसिपीज देख रही है ना, अच्छे अच्छे खाने बनाओ ताकि राबिया खुश हो। रेसिपीज देख के भी खाने अच्छे नहीं बनते वैसे। मैंने नहीं, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। बेस्ट एवर फूड बनाती है मम्मा, बेस्ट। राबिया को मैंने ही सिखाई थी वो टिक्कियां बनानी। कौन सी टिक्कियां? वो जो बनाई थी। और ये लड़की देखो तो इधर सो रही है, ऐसे लग रहा है फातिमा अपनी आंखें उतार के सो रही है। इसको ना थोड़ा थोड़ा तंग करती हूँ तो बालों के साथ। अच्छा सॉरी, चेक करो हीटर के सामने बिस्तर। हाँ, उसका वो चेक करें, हीटर के सामने पाँव वहाँ पे लगे हुए हैं और सर यहाँ पे है। फातिमा मैं तुम्हें मूवी दिखानी है, अभी तो वैसे नहीं सो सकती, मैं सबको मूवी दिखा रही हूँ, लेकिन जल्दी से अपनी नींद पूरी कर लो। मम्मा आपको मैंने मूवी दिखानी है जो मैंने बनाई थी, याद है ना? कौन सी? जो ऊपर इतना गन डाला था हमने, वो मूवी नहीं देखनी आपने? मैंने देख ली थी, मुझे वो अभी तक याद है। आपने कब देखी है मूवी? मैंने समेटा मूवी कब देखी है आपने? वो बना रही थी जब तुम उधर बना रही थी ना, एडिट होके वाली, एडिट होने वाली दुनिया देखी, जो मेन मूवी आई है वो तो नहीं ना देखी आपने, वो भी मैं आप सबको दिखाने लगी हूँ। कहाँ पे लगाऊ मैं? यहाँ पे स्क्रीन मिरिंग करूँ, यहाँ पे लगाऊ ताकि सब देखें, या किस पे देखें? पहले हम जो पानी पिला दो, पानी अल्लाह उठते साहब पानी मांगना शुरू कर दिया। हम लोग जो है ना, पहले जो हमारी मेन मॉडल है उसको बुला के लाते हैं, उसके सामने मूवी देखी जाएगी। हमारी जो मेन मॉडल हीरी है ना, उसको बुला के लाते हैं। पानी उसके अंदर क्यों गिराया? वहां गिराना था। मैंने देख लिया मम्मा अंदर, तो ये पानी गिराने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, तो ये ले गाइस पानी। ये ले गाइस पानी, और अभी हम ऊपर अपनी मॉडल, ये ले गाइस हीरा को बुलाने जा रहे हैं, ये ले गाइस। यार पता नहीं हीरा अपने कमरे के अंदर, इसको डरा के नीचे बैठ के दरवाजा ही लॉक है। ए हीरी, दरवाजा क्यों लॉक किया? हमारे घर पे रिवाज नहीं दरवाजा लॉक करने का। खोलो हीरापी, किधर हो? दरवाजा खोलो। ये कहाँ है? हमारे घर पे रिवाज नहीं है हीरापी। आपने कब से दरवाजा लॉक करना शुरू कर दिया? आपको पता ना हमारे घर पे रिवाज नहीं है। अच्छा तो हीरापी, जो उस दिन हमने इतनी मेहनत से शूटिंग की थी ना, फाइनली वो मूवी एडिट होकर आ गई है। आर यू रेडी अपनी पहली मूवी देखने के लिए? रेडी हो? चलो नीचे आ जाओ, फिर सबको दिखाने लगे। मैं आपको भी दिखा दूं। इतनी जल्दी नहीं, दो दिन लग गया। झूठी आज है एकदम। पापा भी आ गए, पापा को सामान सामान लेके आए। आज पापा जी हमारे घर में ना एक चीज होने लगी है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, बच्चों ने लेके पापा जी, देखे शादी के बाद तो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी के बाद नहीं, मर्द ही सरबरा होता है, मर्द ही सरबरा होता है, गार्डियन।
मैं अब थिएटर लैंग्वेज यूज करती हूँ ना। मैंने चार लोग छोड़े थे, मर्द एक कम रहता है। ओ वाह, नहीं पापा के पांच बेटों के बेटियों के बाप है। पापा जी आज आपको एक बहुत अच्छी मूवी दिखानी है जो मैंने बनाई है वो मूवी। रेडी है देखने के लिए? चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ, फ्रेश होकर फिर दिखाती हूँ। चलो अंदर हमारी मॉडल बनल वाली हीरा पर एक आदमी उठ जा। फातिमा फुल मदोश होकर सो रही है। तो यार फाइनली मुझे रास्ता भी मिल गया कि मैं कैसे सबको दिखा सकती हूँ। तो गाइस आज हम टीवी पे देखेंगे, आज राबिया की मूवी का प्रीमियर है, हमारी मॉडल भी है और हमारा डायरेक्टर भी है। फातिमा नींद में यही है कर रही। सॉरी लगा तो नहीं तुम्हें, मेरे हाथ पे लग गया है। हेलो गाइस, तो ये फातिमा है, हेलो गाइस, तो ये ज़ैनब है, और यहाँ पे हम मूवी पापा लगा के देंगे हमें, ठीक है पापा जी। हम लोग जो है ना फोन से स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। क्या खा रही है? इतनी गंदे फ्लेवर के ऊपर लगे, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सिरप पी रही हूँ। दिखाओ क्या फ्लेवर है। ये पैंडोल का सिरप लग रहा है ना, गंदा कचरा उठा लाई हो। बता इसमें पैंडोल के सिरप की गलती है, क्योंकि उन्होंने चाय फ्लेवर में बनाया था वो सिरप। जी वो सिरप चेरी फ्लेवर था। हाय हाय गंदा। ये सारे देख रहे खट्टा अम्मा खा रहे हैं, इनको डांटे। मैं खुद भी खा रही हूँ। फातिमा ना करो, हीरापे का ज्यादा ही अब शर्म नहीं आ रही है खाते हुए। ये सबसे आईजी है। मैं तो ये मम्मा, ये तो मम्मा जैम है, जैम खट्टा मिल गया है। हीरापे को तो चस्के कर रही है। इमली राबिया कहाँ पे? वही इमली है, यम्मी। गाइस बहुत खटिया ये, गाइस फुल खट्टी वाली है। पापा के साथ कहने लगे इतनी मजे की चॉकलेट है। पापा जी ज़ैनब बुला रही है आपको। ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के पापा आपको ज़ैनब बुला रही है, आपको ज़ैनब बुला रही है। ज़ैनब के पापा क्या हो गया है बेटा, मेरी हमारी छोटी आपे को क्या हो गया? पापा हमारी छोटी अभी खट्टी खा रही है। पापा जी नहीं, बहुत मजे की चॉकलेट है, प्लीज प्लीज। प्लीज 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 पापा जी प्लीज, ज़ैनब के पापा खा लेना। क्या हो गया हमारी छोटी अभी? पापा तो डर के ही भाग गए उससे। कैसा था ज़ैनब के पापा, कैसा था ये? खट्टू था। क्या हो गया हमारे छोटे पापा को? क्या हो गया? दो दिन के ना वो मेरा पेट खराब हुआ है, तुमने कल खट्टा खट्टा चिटा। दो दिन हमारे यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ने जाएंगे पापा। पापा जी खट्टी ज़ैनब के पापा, ज़ैनब का क्या हो गया हमारी छोटी, आपकी खट्टी ही नहीं खा रही है? पापा जी मैं छोटी हूँ ना, छोटी रहो, छोटी रहो, ठीक है ना, मोटी मामा बनने की जरूरत नहीं है। चलो यार पापा जी ऊपर वो स्क्रीन मिररिंग तो कर दे। पापा ने मौसमी खानी है, हाँ जी सब आ गया, फ्रूट शूट सब आ गया। अब पापा जो है ना वो यहाँ पे फोन को जो है स्क्रीन से कनेक्ट करेंगे, स्क्रीन पे लगेगी मूवी। पिछला एक घंटा हो गया और पता नहीं पापा को मिल ही नहीं रहा है, रात का एक बज रहा है, ठीक है, और मम्मा वेट कर रही है। चार घंटे हो गए पापा को मिला ही नहीं। ओके गाइस, आफ्टर सो मैनी मुशक्कत, सो मच मुशक्कत, सॉरी, निकल ही आई है मूवी फाइनली। पापा का जो हमने फोन है ना वो हमने स्क्रीन अभी ना चलाए हैं, इतनी छोटी क्यों आ रही है? आगे बाबा जी पीछे कर ले अभी नहीं। खलो जा चाचा। गाइस कुछ इस टाइप की अभी नहीं देखनी आप लोगों ने। ये वो मूवी है जो राबिया ने बनाई है। चलो सारे सेट सेट होके बैठ जाओ, इतने लोगों को बिठा के दिखाना किसको हीरा को। और मूवी बनाई किसने? राबिया ने। हमारे यहाँ पे देखा सही, मूवी शॉर्ट है यार, टीवी पे आ रही है आपकी बेटी। मैंने देखा वाला एक भी। ज़ैनब आ जाओ जल्दी, मूवी लग गई है, दुनिया का बेस्ट मूवी है ये। फातिमा फातिमा आ जाओ, मूवी लग गई है, टीवी पे लगी है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, बड़ी बेस्ट मूवी है। राबिया तुम्हारी बहन ने बनाई, ये साइलेंट मूवी है, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। सिट सिट देयर, सिट देयर, बैठो मानो, इधर आओ, उधर आओ, इधर आके बैठो, देख रही है सामने मूवी लगी हुई है। बैठ गए सारे, अब सारे लगा लो, मैं नहीं देखूंगी, तुम लोग देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट, पापा जी स्टार्ट कर दे, समझ आएगी तो आएगी, मैं बताइए, मैंने बनाई है, ठीक है। मम्मा देखे यार मूवी, देखे स्टार्ट होने लगी है, पॉपकॉर्न के साथ। बस एक मिनट की मूवी, आपने खत्म होना, मूवी खत्म हो जानी है। नहीं नहीं अभी ऐसे ही बस, चले पापा जी चला दे। सॉरी तो बस कुछ देख रहे हैं लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। यार ये मूवी ऐसे भीड़ा ही दिख रही है। मम्मा समझे मूवी को, मूवी को तो समझे। समझ आई फातिमा तुम्हें? समझ नहीं आई अभी। ये अक्सर फातिमा के साथ होता है, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, कुछ समझ आई क्या? मूवी थी
क्या बहुत अच्छी थी यार, एक मिनट की मूवी थी, समझ गए नहीं, स्टोरी नहीं समझ आई फाबा तुम्हें। पेंडू तो कभी स्कूल भी गई है? रेन चेक का मतलब पता भी है तुम्हें क्या होता है? रेन चेक का मतलब होता है, रेन चेक एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कल बनाए प्लान, तो उसको कहते हैं रेन चेक। आर यू क्वेश्चन मार्क? एक सेकंड, अब जिसको नहीं पता, मेरे जैसे 100 से ज्यादा लोग होंगे जिसके तुम्हारे कमेंट्स में जिन लोगों को रेन चेक का मतलब नहीं पता वो पेंडू हो गए। तो मैं सबको बता दूं, रेन चेक का मतलब होता है कि लाइक आज की बजाय कल प्लान बनाए, इसको कहते हैं रेन चेक। मुझे वो स्कूल दिखाओ जहाँ पे रेन का मतलब ये बताया था कल। स्लैंग है रेन चेक यार, स्लैंग वर्ड है, स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, सोशल मीडिया का स्लैंग। दोस्त बनाती तो पता लगता कि रेन चेक कहते हैं। अच्छा, ये अपनी तारीफें करी, इसको खुद नहीं पता है, दोस्त कैसे पूछेगा? नहीं जी, मुझे पता है रेन चेक का मतलब यार, कहां से पता है? मम्मा मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की होती है जो इतनी मेहनत करती है कपड़े डिसाइड करने पे, गर्ल्स पे, ठीक है, मेहनत करती है, रेंट पे आकर उसकी दोस्त कहती है आज कल प्लान बनाए, तो कहती है चलो ठीक है, वैसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था पहनने के लिए। थीम यही है कि मिसमैच आता है क्या, मैसेज साइडों में जो ब्लू ब्लू आ रहे हैं, मैसेज ही आ रहे हैं उसका। पापा फिर से देखो, दोबारा देख रहे हैं, ये मैंने शूट किया है सारी मूवी, इंशाल्लाह आगे बड़ी बड़ी मूवीज भी शूट करेंगे। देखो पापा दोबारा देख रहे हैं, ये होता है असल बाप का जज्बा, देख रहे हो तुम लोग? अच्छा, वो इतने कपड़े पहने पहने के चेक करती है। डिप्रेशन क्योंकि मेरी वाइब बहुत थी, क्योंकि हमारे पास थी सिर्फ एक रिंग लाइट, नजर आ रही थी एक रिंग लाइट यार, डायरेक्टर और रिंग लाइट नजर आ रही हमारी से। गाइस आप लोगों को मूवी के एंड पे देखने को मिलेगा। मैं अकेली बंदी हूँ कैमरा से, बड़ी मैं यूं करके कभी यूं करके। अच्छा तुम्हारा शूट मैं करती हूँ, चला चार करैक्टर भी खुद बनती हूँ अंदर, तुम्हारा शूट तो मैं करती हूँ ना। इतनी मेहनत से मैंने कपड़े उठाए हैं, स्टोरी भी दमदार होती है, ये रेन चेक की तरह नहीं यार। नहीं, ऐसी मूवीज बनाएगी तो सबको नींद आना शुरू हो जाएगा, सब कहेंगे नहीं। हमारे सर ने कहा था साइलेंट मूवी, लाइक कोई डायलॉग नहीं होना चाहिए, तो उसमें ऐसी बन सकती है। ऐसी मूवी बनाएगी ना, साइलेंट है, ऐसी मूवी बनाएगी ना, लोग पॉपकॉर्न टमाटर लेके आएंगे। पापा ने अच्छी बनाई है, देखा 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 जैसा जले और सरडे वही तारीफ भी किया। मम्मा देखे, जब आपको सिर्फ एक मिनट दिया जाए, उस एक मिनट में डायलॉग भी कोई ना हो, तो ऐसे ही निकलती है मूवी पे। लेकिन एक हमारी क्लास का बच्चा, उसकी इतनी अच्छी वो इंशाल्लाह गाइस आई से सीख रही हूँ ना, हमारी एक क्लास के बच्चे ने बनाई गन्स वाली, वो थोड़ी फोर्ज वाली बनाई, बहुत अच्छी उसकी थी, बहुत अच्छी। हाँ, तुम्हें नंबर कितने मिले? मुझे अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सर ने क्लास में जब लगी थी तो बहुत तारीफ की थी। फुल नाना मिले, जूता पकड़ा देना। खैर मजा आया, सारे कह दो ये यार। पता नहीं इनका क्या रिएक्शन था, मुझे रिएक्शन ही इनका समझ आया। खैर आप लोग जाके देखो और मुझे बताओ, मैं आप लोगों को ये बता दूं फिर भी कि रेन चेक का मतलब होता है कि प्लान कल बनाए क्वेश्चन मार्क, कि आज की बजाय कल बना ले, वैसे पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो खैर आप लोग जो है जल्दी से जाके, मैं अभी आगे मूवी लगा रही हूं, तो देख लो। आप लोगों को ये अच्छी लगी हो, पता नहीं क्या, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड ऑल्सो मैं आगे भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी मूवीज बनाऊंगी, सो उसका वेट करें, एंड इंशाल्लाह मेरी भी कोई मूवी आएगी एक दिन जरूर। सो ऑल्सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कल न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पर जो है मैं एक
बहुत 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 बड़ा प्रैंक करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।